हेलो। हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन, वेलकम टू अभिषेक एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग लाइव आ जाएं, फिर हम लोग क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। जो लोग भी लाइव आ गए हैं फ्रेंड्स, सभी लोग को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून है। सभी लोग का मोस्ट वेलकम, सभी लोग को राधे राधे है फ्रेंड्स, सभी लोग को नमस्कार है। तो जो लोग भी लाइव आ गए हैं, सीमा गौतम, वंदना चौधरी, पायल चौधरी, उषा यादव, रोली वर्मा, आर के यादव, ठीक, वर्षा द्विवेदी, सुधा शर्मा, सोनिया, प्रियंका यादव, सभी लोग को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून है फ्रेंड, और सभी लोग का मोस्ट वेलकम है। तो सभी लोग फ्रेंड्स एक बार सेशन को शेयर कर दें, ठीक, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक, थोड़ा सा टाइमिंग चेंज हुआ क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे बीच में आने का ये तात्पर्य है कि आप लोग का जो नेट का एग्जाम है उसका डेट भी दे दिया है, तो हमारे पास समय जो है कम है, तो इसलिए जब भी टाइम मिलेगा फ्रेंड्स, बीच बीच में जो है हम बाकी जो हमारी 4:30 बजे की क्लासेस होती है वही हमारा फिक्स टाइम है यूट्यूब पर आने का। लेकिन जो है हमारे पास समय था, टाइम भी था, तो हमने सोचा कि कुछ टॉपिक को कवर कर दिया जाए। तो सभी लोग का वेलकम है फ्रेंड्स, क्या सभी लोग का वेलकम है? तो सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें, क्या आज की क्लास जो है फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है? कौन सी आज की क्लास जो है फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसके साथ साथ या उसके साथ साथ ये आपके कोई भी एग्जाम्स हो, यहाँ से क्वेश्चन सभी में पूछे गए हैं। बात करें टीजी की 2021 की, तो कॉलर से जो है क्वेश्चन पूछे गए थे, और उसके साथ साथ नेट के सिलेबस में ये है। आपके टीजीटी की बात करें या जीआईसी की बात करें, एलटी के, तो सभी एग्जाम के लिए जो है फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है आपके नेट के लिए। लेकिन कहीं से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है या दो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके सिलेक्शन में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो हमें क्या होता है, जैसे कहते बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे हमें जो है सिलेबस के हर टॉपिक को देखना होता है। अगर कंप्लीटली आप सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से एक रणनीति के साथ पढ़ लेते हो, तो सिलेक्शन में आपके किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रह जाता, क्योंकि आपका जो होता है वो कहाँ से पूछा जाएगा। पिक्चर नहीं आ रही, पिक्चर नहीं, ठीक, चलिए मैम आप दिख नहीं रही हैं। ठीक, तो ठीक है, तो तनु पांडे नेट के एग्जाम तक। ठीक फ्रेंड्स, हमारी कोशिश यही रहती है कि जैसे देखिए हमारे यहाँ जो भी बच्चे नेट का कोर्स परचेज किए हैं, तो कम समय है, तो कम समय में भी हम उनकी बहुत ही बेहतर तैयारी कराना चाह रहे हैं, क्या बहुत ही बेहतर तैयारी कराना चाह रहे हैं। इसीलिए जो है उनके लिए कोई ये नहीं होता, मेरे पढ़ाने का जो होता फ्रेंड्स, हमें जब भी समय मिलता है, थोड़ी सी समय की व्यस्तता जरूर रहती है, हर इंसान के पास रहती है। तो अगर आप कहीं और चीजों से जुड़े हुए हो तो आपके पास समय की व्यस्तता और बढ़ जाती है, लेकिन जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी चीज होती है फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोगों ने इस तरह पे मेरे पे ट्रस्ट किया है, विश्वास दिखाया है, और विश्वास के साथ ही आपने कोर्स को परचेज किया है, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा मैटर में आपके एग्जाम से रिलेटिव जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके लिए आप लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हो कि मैम बुक में ये नहीं मिलता, और उसके लिए बहुत मैटर के लिए परेशान रहते हो, जैसे आपके फूड टेक्नोलॉजी की बात करें, या नैनो टेक्सटाइल की बात करें, खाद्य प्रौद्योगिकी की बात करें, ये सारे नेट के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, या जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड, तो वो जितने सारे टॉपिक्स हैं सारे मेरे द्वारा कवर कराए जाएंगे। बाकी जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो जो है कॉमन क्लास जो एलटी का बैच चल रहा है उसमें कंप्लीट कराया जा रहा है। तो इसके लिए बीच बीच में जो है फ्रेंड, या बीच बीच में जो है आप लोग को इसी तरह की क्लासेस मिलती रहेंगी। और रही बात प्रैक्टिस सेट की, नेट के प्रैक्टिस सेट की, तो
तो जल्द ही आपको 1 से 2 दिन का समय दीजिए, 8 PM से 9 PM तक, जो है आपको नेट की प्रैक्टिस सेट डेली वहां पर मिलेगी। कुछ ना कुछ प्रश्नों की जो श्रृंखला होती है वो डेली मिलेगी फ्रेंड्स। क्या तो सभी लोग फ्रेंड्स एक बार सेशन को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक। तो आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी तरह से निभाइए और फिर हम लोग क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग सेशन को शेयर कर दें, क्योंकि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फ्रेंड्स इस सेशन से जुड़ सके। क्योंकि जो है आज लाइव आने का मेरा टाइम ये फिक्स तो है नहीं, मैं ऐसे ही बीच में लाइव आई हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मैं क्लास नहीं लेती हूँ। तो आप लोग अगर सेशन को शेयर कर देंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी होगी और क्लास से जुड़ेंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बाकी जो है आप लोग क्लास का आनंद लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो टॉपिक है विभिन्न प्रकार के कॉलर्स। अब अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस बताते हैं किसकी, कॉलर की, तो कॉलर की जो इम्पोर्टेंस है फ्रेंड्स, अब यहाँ से क्वेश्चन आप अगर देखेंगे तो शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने एग्जाम है सभी में आए हुए हैं। या बात करें अब की बार 2021 PGT की, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका देखने को मिला। अदर एग्जाम्स की बात करते हैं तो वहां और नेट के लिए ये जो होता है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग कॉलर को देखेंगे और उसके साथ साथ जो स्लीव्स होते हैं, आज 3 होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने कितने प्रकार से ये लगाया जा सकता है, इसको देखेंगे। उसके बाद जो आपका नेक लाइन होता है, नेक लाइन क्या होता है, नेक लाइन के कितने टाइप्स होते हैं क्या, और नेक लाइन जो होता है किस प्रकार का बनाया जाए तो वो जो है व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा आकर्षक लगेगा, ये चीज देखेंगे। और उसके साथ साथ योग जो होता है, योग क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, ये कपड़े में क्यों प्रयोग किया जाता है, ये सारी विशेषताओं को हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ योग के साथ साथ जो आपके स्कर्ट होते हैं तो स्कर्ट को देखेंगे, स्कर्ट के प्रकार जो होते हैं, टाइप्स होते हैं, ये सारी चीजें कवर करेंगे। तो क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर एक पार्ट में ये सारी चीजें कवर करेंगे, दूसरा पार्ट जो रहेगा वो आपका ड्रेपिंग जैसे हो गया, ड्राफ्टिंग हो गया, पैटर्न हो गया, ये सारी चीजें जो है दूसरे लेक्चर में लिए जाएंगे। किसमें? दूसरे लेक्चर में लिए जाएंगे। तो जितने भी लोग फ्रेंड्स यहाँ पे लाइव हैं, सभी लोग को जो है वेरी वेरी गुड आफ्टरनून है, सभी लोग का मोस्ट वेलकम है। तो सभी लोग फ्रेंड्स सेशन को शेयर कर दें। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पर अपने, तो इसमें हम लोग क्या चीज देखेंगे, ये चीज देखना है। तो सबसे पहले हम कॉलर की अगर बात करते हैं तो कॉलर की विशेषता क्या है, क्या कॉलर की जो विशेषता होती है किसी भी परिधान में, अगर हम बात करें किसी भी परिधान में कॉलर जो होता है उसकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, उसकी अपनी एक विशेषता होती है कि जो कॉलर होता है वो क्यों किया, क्या क्यों प्रयोग किया जा रहा है। तो जब हम किसी भी परिधान में कॉलर का प्रयोग करते हैं तो हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखकर जो है कॉलर्स का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अब व्यक्ति के हम चेहरे का आकार देखते हैं, चेहरे के आकार के साथ साथ उसके शरीर की बनावट को भी ध्यान में रखते हैं और उनके जो हेयर स्टाइल्स होते हैं यानी कि केस होते हैं उसको भी ध्यान में रख कर ही अगर हम कॉलर्स का वस्त्रों में परिधान में जो है चुनाव करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बेहतर होता है। और कहीं ना कहीं वस्त्रों में एक सच्चा या आकर्षकपन लाने का काम कौन करता है, तो वो कॉलर होता है फ्रेंड्स। कौन करता है? कॉलर करता है, जो कि किसको सुंदरता को बढ़ाने का भी आभास देता है। तो किस प्रकार से कॉलर्स प्रयोग किए जाते हैं, अगर हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के जो कॉलर्स होते हैं, क्या कॉलर्स होते हैं, कॉलर्स के साथ साथ आस्तीन होते हैं या नेक लाइन होते हैं, योक होते हैं या स्कर्ट जो होते हैं, प्लेट पैटर्न द्वारा बनाए जाते हैं। अब इसको हम अलग अलग देखेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉलर्स होता है इसका प्रयोग किसमें किया जा रहा है, इसका प्रयोग परिधान में किया जा रहा। तो यहाँ पे सिंपल अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं फ्रेंड्स, किसके तौर पे, एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के कॉलर्स जो होते हैं वो वस्त्रों के आकर्षक यानी कि सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ या उसके साथ साथ हमें इन विशेषताओं को भी ध्यान में रखना होता है कि जब हम कॉलर्स का प्रयोग कर रहे हैं तो वो मैन के लिए कर रहे हैं या फिर वुमेन्स के लिए कर रहे हैं, किन कपड़ों में किया जाना है और उनकी जो शारीरिक रचना होती है, क्या व्यक्ति की जो शारीरिक रचना होती है, शारीरिक रचना को ध्यान में रखकर ही
कलर्स का प्रयोग किया जाता है ध्यान में रखकर कॉलर का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे अगर हम कॉलर्स की बात करते हैं तो जिनका क्या होता है, चेहरा गोल होता है। कैसा होता है? चेहरा गोल होता है। और उसके साथ साथ अगर हम गर्दन की बात करें, नेक की बात करें, तो वो जो होता है छोटा होता है। कैसा? चेहरा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे समझते हैं तो जो चेहरा होता है फ्रेंड, चेहरा गोल है। अब आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्पल के तौर पर, व्यक्ति का चेहरा गोल है और उसके साथ साथ गर्दन जो होती है, गर्दन छोटी है, तो हम किस प्रकार के कॉलर्स का प्रयोग करेंगे, क्या किस प्रकार के कॉलर्स का प्रयोग करेंगे कि वो कॉलर्स जो होते हैं वो देखने में आकर्षक लगे। कैसे देखने में आकर्षक लगे? अब जब होता है चेहरा राउंड है, क्या राउंड है, गोल है, और उसके साथ साथ जो उनकी नेक होती है, गर्दन होती है, वो छोटी है, तो अगर ऐसे में जो है आप किसका, अगर ऐसे में जो है आप राउंड कॉलर का प्रयोग करेंगे तो चेहरा जो होता है और बड़ा दिखाने का प्रतीत, क्या प्रतीत होता है। और वहीं पे अगर जो होता है आप जो है आप गर्दन छोटी है तो गहरे गले का, क्या गहरे गले का, या वी शेप में जो है आप कॉलर्स का प्रयोग करते हैं तो वो उसपे जो होता है बहुत ज्यादा आकर्षक लगता है। आकर्षक होने के साथ साथ जो होता है वो कैसा होता है, वो लंबाई को भी बढ़ा के दिखाने का प्रयास करता है। या जैसे व्यक्ति का चेहरा जो है, क्या चेहरा जो होता है पतला होता है, पतला होने के साथ साथ उनकी गर्दन बहुत लंबी होती है, तो उनके लिए किस प्रकार के कॉलर्स का प्रयोग किया जाए ये भी इम्पोर्टेंस भूमिका निभाता। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग समझेंगे। तो हम लोग अब कॉलर्स के बारे में देखते हैं। तो अगर हम कॉलर की बात करते हैं, क्या कॉलर की बात करते हैं, तो कॉलर जो होता है ये किसी भी प्रधान में किसका काम करता है, तो जैसे किसी भी घर को आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गृह सज्जा करते हैं, वैसे किसी भी वस्त्र को आकर्षक एवं सुंदर बनाने के लिए उसमें सजावट के तौर पे जो है हम लोग कॉलर्स का प्रयोग करते हैं। किसकी कार्य कॉलर्स का प्रयोग करते हैं, जो इसकी किसकी, जो इसकी कार्यात्मकता की विशेषता होती है। किसकी कार्यात्मकता की, तो बात करेंगे वस्त्र की, किसके वस्त्र की। तो अब ये कॉलर्स जो होते हैं, कॉलर्स का जब हम प्रयोग करते हैं तो चेहरे का आकार देखते हैं, या जो हेयर स्टाइल होते हैं, बाल होते हैं, उसको देखते हैं, और उसके साथ साथ परिधान। तो यहाँ पे किसके फेस का आकार, फेस के साथ साथ जो केस होता है उसका आकार देखते हैं, क्या उसका आकार देखते हैं, और शेष भाग के अनुरूप होना चाहिए। तो सभी प्रकार के जो होते हैं, क्या सभी प्रकार के जो कॉलर्स होते हैं, ये कॉलर्स कैसे बनाए जाते हैं, ये कपड़े का जो अवशेष भाग होता है, कौन सा भाग होता है, कपड़े का जो अवशेष भाग होता है उसी से बनाया जाता है। अब चाहे कोई भी शर्ट हो, शर्ट में भी कॉलर का प्रयोग करते हैं, कमीज हो, कमीज में भी कॉलर का प्रयोग किया जाता है, या ब्लाउज हो, अभी देखिए जो है कॉलर्स का प्रयोग, हर कोई कॉलर्स वाले ब्लाउज को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो इन सब में किसका प्रयोग किया जाता है, इन सब में कॉलर्स का प्रयोग किया जाता है। और उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं जो हमारे प्रिंटेड कपड़े होते हैं, कैसे कपड़े होते हैं, प्रिंटेड कपड़े होते हैं, तो उनमें किस प्रकार का कॉलर्स जो है प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक, हाँ, सभी लोग को वेरी वेरी गुड आफ्टर। कॉलर्स, कॉलर्स अभी दिखेगा, जब दिखाया जाएगा वो तो एक एग्जाम्पल के तौर पे लगाया गया था अनीता जी। ठीक, बिल्कुल सारी चीजें आपको दिखाई भी जाएंगी और बताई भी जाएंगी। ठीक, कविता निगम वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, सभी लोग का वेलकम है फ्रेंड। तो अब हम देखते हैं कि ये जो कॉलर्स होते हैं, क्या कॉलर्स होते हैं, अगर आप प्रिंटेड कपड़े हैं, क्या प्रिंटेड कपड़ों में किस प्रकार का कॉलर्स प्रयोग किया जाना चाहिए। तो प्रिंटेड कपड़ों में आपको ऑप्शन दे दिया जाता है कि क्या बड़े बड़े कॉलर्स, बड़े बड़े छाप वाले कपड़ों का प्रयोग किया जाना चाहिए, या फिर जो होते हैं छोटे प्रिंट के कपड़ों का प्रयोग किया जाना चाहिए, या आपसे पूछा जाता है कि सादे कपड़ों का प्रयोग किया जाना चाहिए, या फिर जो होता है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके प्रिंट वाले कपड़े होते हैं उसमें किस प्रकार के कॉलर्स के लिए कपड़ों का चयन किया जाना चाहिए, हमने ऑप्शन दिया।
एक तो सेम सेम जो प्रिंट है वैसे, या फिर जो होता है सादे कपड़े या फिर बड़े कपड़े, ऐसे भी क्वेश्चन आपका बनता है। तो अगर प्रिंट वाले कपड़े होते हैं, अगर उसमें सादे कपड़े का प्रयोग करते हैं कॉलर्स के लिए, तो वो उसको और भी ज्यादा आकर्षक बनाता है। कैसा बनाता है? उसको और भी ज्यादा आकर्षक बनाता है। तो कॉलर जो होता है, कॉलर बहुत संकीर्ण भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है। क्या संकीर्ण कॉलर साफ और उसके साथ साथ संयमित और पतला भी हो सकता है। यदि एक बड़े कॉलर्स का उपयोग किया जाए, क्या एक बड़े कॉलर्स का उपयोग किया जाए, तो उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाना है, ये चीज। तो जो आपकी क्या होती है चोली होती है, वो कैसी होनी चाहिए? वो बंद होना चाहिए। क्या बंद होना चाहिए? जो ड्रेसेस होते हैं उसमें बहुत खुला रूप नहीं होना चाहिए, वो पूरी तरह से बंद होना चाहिए। उसके बाद अगर आप बड़े कॉलर्स का प्रयोग करते हैं, तो उसपे जो होता है आकर्षक लगता है, यानी कि आकर्षक दिखाई देता है। अब जब आप बड़े कॉलर्स का प्रयोग कर लिए, तो आपको जो आस्तीन होती है या कपड़े की जो आस्तीन होती है, उसमें बहुत ज्यादा फ्रिल या झालर युक्त या पफ युक्त ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने बड़े कॉलर्स का प्रयोग कर लिया, तो उसकी आस्तीन जो होनी चाहिए वो एकदम प्लेन होना चाहिए, यानी कि सादा होना चाहिए। तो ये हमारे कॉलर से जो होते हैं, किसके कपड़े के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, उसकी क्रियात्मकता को दर्शाने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं उसको सजावटी बनाने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो कॉलर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो कॉलर्स जो होते हैं उसके प्रकार को देखते हैं, तो गर्दन के चारों ओर कॉलर के सेट के आधार पर, किसके आधार पे? गर्दन के चारों ओर कॉलर का जो सेट होता है उसके आधार पर कॉलर का वर्गीकरण। तो कॉलर के वर्गीकरण में कितने कॉलर्स शामिल हैं? तो यहां से ही क्वेश्चन आपके टीजीटी 2021 में आया था, 21 में आया था, जो आपका रोल्ड, क्या रोल्ड कॉलर्स आया था। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो इसके कॉलर के जो गर्दन के चारों ओर होते हैं उसके आधार पे अगर हम उसका वर्गीकरण देखते हैं, तो कॉलर जो होते हैं वो कितने प्रकार के देखने को मिलते हैं अपने? तो कॉलर जो होते हैं वो चार प्रकार के देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के देखने को मिलते हैं। पहला जो होता है फ्रेंड, सपाट या फ्लैट कॉलर, क्या सपाट या फ्लैट कॉलर होता है। दूसरा जो होता है घुमा हुआ कॉलर, यानी कि लो रोल्ड, यानी कि कम जो है घुमा हुआ, जो कि हम कॉलर को देखा कि उसके फिगर के माध्यम से चीजों को समझाएंगे। पहले आप ये समझिए कि कॉलर को हम कितने तरीके से देख सकते हैं। वैसे हमने ऑफलाइन में टेक्सटाइल में पढ़ाया भी है, और वहां पे बहुत सारे कॉलर्स को हमने बताया भी है, और उसके साथ साथ नोट्स भी बनवाया हुआ। तो जो कम घुमा हुआ कॉलर होता है वो कैसा, उसको लो रोल्ड कॉलर्स के नाम से जाना जाता है। या फिर जो आपका कैसा होता है, अधिक घुमा हुआ कॉलर होता है, क्या होता है, अधिक घुमा हुआ कॉलर होता है, उसको हाई रोल्ड, क्या हाई रोल्ड कॉलर के नाम से जाना जाता है। वहीं पे अगर हम खड़ा कॉलर की बात करते हैं, जिसकी खड़ा कॉलर की बात करते हैं, तो इसको स्टैंडिंग कॉलर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? स्टैंडिंग कॉलर के। तो ये जो कॉलर से होते हैं फ्रेंड, ये कैसे बनाए जाते हैं, ये चीज देखेंगे, और ये आकार में किस प्रकार से दिखता है ये चीज भी हम देखेंगे, और किस पे कौन सा कॉलर ज्यादा शोभनीय होता है ये चीज भी हम लोग देखेंगे। चलिए, तो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो कॉलर से होता है, क्या कॉलर से होता है, जो घूमे हुए कॉलर से होते हैं, कैसे घूमे हुए कॉलर से होते हैं, या निम्न घूमे हुए, कम घूमे हुए, या ज्यादा घूमे हुए जो कॉलर होते हैं वो कैसे होते हैं। वो जो होते हैं मध्यम हो सकते हैं। तो कॉलर जो होता है या तो जो है ज्यादा रोल्ड हो सकता है, कम रोल्ड हो सकता है, या फिर जो हो सकता है प्लेन भी हो सकता है। तो जो आपका खड़ा कॉलर होता है, खड़ा कॉलर मतलब स्टैंडिंग कॉलर, तो ये क्या होता है, ये जो स्टैंडिंग कॉलर होता है, तो परिधान की जो है बनावट कहते हैं, या हम कह सकते हैं उसमें की डिजाइन कहते हैं, इस पर भी निर्भर करता है। जो आपका राउंडिंग कॉलर होता है फ्रेंड, कौन सा खड़ा यानी कि जो है स्टैंडिंग कॉलर होता है, ये परिधान की जो डिजाइन होती हैं उस पर निर्भर करता है, उसकी स्टाइल पर निर्भर करता है। अब एक विशेष कॉलर की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं,
एक विशेष कालर की अगर हम बात करते हैं तो एक विशेष कालर का वर्णन करने के लिए अब कालर का जो घुमाव होता है वो किस कोण पर स्थित होता है, कैसे किस कोण पर स्थित होता है और इसका बाहरी किनारा जो होता है वो किसको दर्शाता है, उसका आकार जो होता है किनारा किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, ये चीज भी हमको ध्यान में रखना होता है। उसके साथ साथ कॉलर की जो गर्दन होती है, अब कॉलर की जैसे यहाँ पे हम कॉलर का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले जो गर्दन होती है इसको हम लोग देखते हैं कि जो रेखा में परिधान गर्दन रेखा के समान आकार का है। तो जब समान आकार का होता है, क्या गर्दन रेखा के समान आकार का होता है, तो वहां पे हम स्टैंडिंग कॉलर का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका स्टैंडिंग कॉलर का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि हम किस कॉलर का प्रयोग कर लेते हैं, तो हम जो है फ्लैट कॉलर का प्रयोग कर लेते हैं। किसका फ्लैट कॉलर का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें किस कॉलर का प्रयोग हुआ है, तो ये जो होता है आपके फ्लैट कॉलर का, बल्कि ये जो है स्टैंडिंग कॉलर का यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ, तो ये चीज है। अब हम देखेंगे अगर हम कॉलर का इसका कॉलर का प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे पहला कॉलर जो होता है हमारी स्टैंडिंग बैंड जो होता है, कौन सा स्टैंडिंग बैंड होता है जिसको किस कॉलर के नाम से जाना गया है, जिसको जो है चाइनीज कॉलर के नाम से जाना गया है। तो ये जो चाइनीज कॉलर होता है स्टैंडिंग कॉलर के, तो ये जो होता है मेल फीमेल दोनों पोशाकों में देखने को मिलता है, किसमें मेल और फीमेल दोनों पोशाक में ये कॉलर से देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे ये जो होता है क्या अचकन के लिए, किसके लिए अचकन के लिए जो है चाइनीज कॉलर को अच्छे आसन की आवश्यकता होती है। किसके लिए अचकन के लिए, अगर चाइनीज कॉलर बनाना है तो आसन मतलब उसको सहारा देने के लिए, ठीक है, उसके राउंड में जो जहां पर आप स्टैंडिंग करते हैं कॉलर को उसको सहारा देने के लिए एक आसन के रूप में एक पट्टी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, अगर पतली गर्दन के लिए उपयुक्त है तो ये जो होता है शीर्ष पर बाहर की ओर नहीं निकालना चाहिए। शीर्ष का मतलब होता है ऊपर, अगर हम ऊपर देखते हैं तो इसको क्या स्टैंडिंग कॉलर आप बना रहे हैं तो इसको ऐसे ही रहना देना चाहिए, बल्कि इसको जो है अब मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है स्टैंडिंग कॉलर, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्टैंडिंग कॉलर इधर निखरा हुआ है, क्या निखरा हुआ है यहाँ पर आपका बना हुआ है, इसको जो होता है बाहर की ओर नहीं निकालना चाहिए। बाहर जैसे आप देखते हैं क्या स्टैंडिंग कॉलर में शर्ट का आप देखे होंगे तो शर्ट पे जो होता है उसका कॉलर जो होता है वो बाहर की ओर कैसे बाहर की ओर निकला हुआ होता है, तो स्टैंडिंग कॉलर में जो होता है ये जो उसका शीर्ष वाला ऊपर वाला भाग होता है ये बाहर की ओर निकला हुआ नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए और बहुत ज्यादा क्या होता है बहुत ज्यादा ये कसा नहीं होना चाहिए, कि बहुत ज्यादा ये जो है जिस गर्दन के हिसाब से नेक के हिसाब से अगर आप बनाए हुए हो तो बहुत ज्यादा ये कसा हुआ भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो देखने में जो होता है आकर्षक नहीं लगता है। तो आप जो स्टैंडिंग कॉलर को देखते हैं आप शर्ट में भी देखते हैं और उसके साथ साथ ये कॉलर से जो है अभी अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सबसे ज्यादा इसी कॉलर का प्रचलन भी था कि लोग जो है एक तरह से इस कॉलर का बहुत ज्यादा प्रयोग करते थे, क्या स्टैंडिंग कॉलर जो होती थी इसका बहुत ज्यादा प्रयोग करते थे। हाँ बिल्कुल वंदना, चाइनीज कॉलर, हाँ बिल्कुल चाइनीज कॉलर कोट के लिए। चलिए सोनिया वेरी नाइस सेशन मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा चलिए, खाना खा रहे हो, खाना खाते भी रहे तो रहो स्टडी भी करते रहो। तो यहाँ पे हम स्टैंडिंग जो चाइनीज कॉलर होता है, कौन सा चाइनीज कॉलर होता है, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से चाइनीज जो कॉलर होता है वो बनाया जाता है, किसमें इस प्रकार से चाइनीज कॉलर जो होता है बनाया जाता है। तो कोट में भी अगर जैसे अभी मनीषा का कहना मैम कोट में भी, तो कोट में भी आपके चाइनीज कॉलर बनाए जाते हैं, जैसे आपके शर्ट में विभिन्न प्रकार के कॉलर्स बनाए जाते हैं वैसे जो आपके कोट में भी कई कॉलर्स, तो उसमें जो होते हैं फ्लैट भी होते हैं, क्या फ्लैट भी होते हैं और उसके साथ साथ स्टैंडिंग कॉलर का भी प्रयोग किया जाता है। किसका स्टैंडिंग कॉलर का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा वो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग,
नेक्स्ट दूसरा कॉलर अगर हम देखते हैं स्टैंड एवं फॉल कॉलर कौन सा, अगर हम स्टैंड एवं फॉल कॉलर की बात करते हैं कौन सा स्टैंड एवं फॉल कॉलर, तो स्टैंड और फॉल कॉलर जो होता है ये कैसे होता है, तो जो आपका ये कॉलर होता है ये शर्ट के कॉलर से, किसके कॉलर के, जो शर्ट का कॉलर होता है उसके कॉलर से मेल खाता हुआ होता है, किसके शर्ट के कॉलर से मेल खाता हुआ होता है, और सामने एक मामूली, क्या मामूली जो होता है टा, गर्दन के जो है कांटे जो गहरी हो सकती है, किसकी जो गर्दन होती है उसके जो कांटे होती हैं वो कैसे हो सकती हैं, गहरी हो सकती हैं, लेकिन चुस्त फिटिंग के लिए इसे किसे कंधे के बिंदु से ज्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए, कैसे जो आपका स्टैंड या इसी को कौन सा कॉलर बोलते हैं, फॉल कॉलर बोलते हैं, क्या फॉल कॉलर बोलते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं क्या फॉल कॉलर, तो आप ये जो एरिया है ये वाला भाग है ये पीछे की साइड से भी क्या हुआ, पीछे की साइड से भी गर्दन पे क्या होता है एक पट्टी के रूप में जो होता है चार ओर से राउंड होता है, क्या इधर से आपका यहाँ से अगर शुरू होता है, क्या यहाँ नेक से अगर शुरू होता है तो ये जो होता है चारों साइड जो होता है, इसीलिए इसको स्टैंड या फॉल कॉलर कहा गया है, ये गर्दन के चार ओर, फॉल कॉलर जो होता है ये गर्दन के चारों ओर घूम के आकर आगे जो होता है मेन उस पे वहां पर खत्म होता है, तो इसीलिए इसको जो अपने कौन सा स्टैंड या फॉल कॉलर के नाम से जाना जाता है, और ये जो है ये जो कॉलर्स होते हैं आप देखेंगे पूरी की पूरी तरह से जो है शर्ट से मैच खा रहा, जो शर्ट का कॉलर होता है उसमें इसमें अंतर इतना होता है कि उसमें ऐसे वी आकार बनता है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है फॉल कॉलर जो होता है थोड़ा सा यहाँ पे गैप है, बस इतने का ही अंतर जो है आपके इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं तो आपका सेम जो होता है जो शर्ट का कॉलर होता है सेम आपका वैसे जो है स्टैंड या फॉल कॉलर होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? बिल्कुल, तो ये था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कॉलर में अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट जो होता है ये आपका फ्लैट कॉलर या फिर पीटर पैन कॉलर होता है, कौन सा कॉलर होता है, फ्लैट कॉलर या फिर पीटर पैन कॉलर होता है, तो जो फ्लैट कॉलर होता है फ्रेंड्स कौन सा, जो फ्लैट कॉलर होता है, अब फ्लैट कॉलर जो होता है इसकी चौड़ाई जो होती है वो कितनी होती है, तो इसकी चौड़ाई जो होती है ये लगभग 2 से 3 इंच तक चौड़ा हो सकता है, कौन सा फ्लैट पीटर पैन कॉलर जो होता है ये लगभग जो होता है 2 से 3 इंच तक चौड़ा हो सकता है, अब ये कंधे की तरह चौड़ा क्या होता है, कंधे की तरह चौड़ा और उसके साथ साथ एक कैप की तरह, क्या एक कैप की तरह जो होता है ये हो सकता है, लेकिन पैटर्न बनाने की जो क्या होती है विधि के समान होता है, जैसे पैटर्न बनाया जाता है सेम उसी मेथड से जो होता है आपका पीटर पैन कॉलर भी बनता है, कौन सा कॉलर, पीटर पैन कॉलर भी बनता है, तो अब इसमें आप देखेंगे ब्लाउज हुआ या पेपर पैटर्न पर एक गर्दन की रेखा जो होती है वो काटे और उसके साथ साथ गर्दन की रेखा काटने के साथ साथ जो होता है फ्रेंड्स फ्रंट और बैक पर क्या ब्लाउज के पैटर्न को कंधे पर रखें, और जब कंधे पर रखते हैं तो कंधे के बाद जो होता है पीछे से जो होता है बिंदु को लगाएं और पीछे से बिंदु को लगाकर लाते हुए इसको काटा जाता है, तो पीटर पैन जो कॉलर होता है कौन सा फ्रेंड्स, पीटर पैन जो कॉलर होता है आप लोग देखे होंगे जब आप लोग क्या है एमए कर रहे थे तो उस ये पीछे भी ऐसे होता है, क्या ये पीछे भी ऐसे ही राउंड में आपका पीटर पैन कॉलर होता है जो कि पीछे ऐसे जो है गोलाई में घूमता हुआ गया होता है, कैसे गोलाई में, तो अब इसकी जो यहाँ पे पीटर पैन जो कॉलर होती है इसकी चौड़ाई जो रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है, वो 2 से 3 इंच तक रखी जाती है, कितनी इसकी चौड़ाई जो होती है ये एक मिनिमम रखी जाती है, अगर बहुत कम हो जाता है, अगर मान लीजिए इसकी चौड़ाई जो होती है अब इस तरीके से आप देखेंगे तो ये आपका कोई भी पोशाक है, अब इसकी चौड़ाई जो है अगर आप इतना रख देते हैं इतना पतला सा तो ये क्या होता उतना आकर्षक आपका देखने में
नहीं लगता है क्या, उतना आकर्षक नहीं। तो इसको एक आकर्षक एवं सुंदर बनाने के लिए जो होता है, अगर आपको बहुत चौड़ा नहीं पसंद है तो लगभग आप 2 इंच कर सकते हैं, अगर आपको मीडियम चाहिए तो 2 से 3 इंच अगर आप करते हैं तो ये जो होता है पीटर पैन कॉलर जो होता है ये जो होता है अच्छा लगता है। और ये आप दूसरा क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि जो पीटर पैन कॉलर होता है ये कहाँ पर बनाया जाता है, किन प्रकार के पोशाक में बनाया जाता है। चलिए मैम मैनेजमेंट करवा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, शुभ दोपहर, वेलकम है फ्रेंड्स, सभी लोग का वेलकम है। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स दोपहर में आने का जो है इतना सा ही उद्देश्य था कि जो है आपके नेट की एग्जाम के लिए कम समय बचा है तो हमारे कुछ बच्चों ने 10 जनवरी का जो ऑफर दिया गया था उस ऑफर पे नेट का कोर्स भी परचेज किया गया है। फिर तो हमारी ये नहीं है कि आपको ऑफर दिया गया है फीस कम है तो आपको नेट का सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता, आपको सारी चीजें यहाँ क्वालिटी से भरपूर पूरी गुणवत्ता के साथ पढ़ाया जाता है। बाकी आप ऑफलाइन का भी देखेंगे या ऑनलाइन का भी देखेंगे पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर सिलेबस को पूरा किया जाता है। तो यहाँ पे जो है बाकी जो क्लासेस हमारी 6 बजे से 7 बजे की हैं वो कॉमन क्लासेस भी चलती रहेंगी ऐप की, उसके साथ साथ जो है फ्रेंड्स जो है 8 बजे से लगभग हमने 2 घंटे का समय लिया हुआ है, 6 से जो है 8 तक तो वो हमारी ऐप की क्लास जो रहती है उसमें कॉमन क्लासेस है, कॉमन क्लासेस में सारी क्लासेस हैं तो अपना अलग अलग डिवाइड करके वो पढ़ाया जाएगा नेट के लिए भी और TGT LT के लिए भी। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स जो है ज्यादा से ज्यादा आप 2 से 3 दिन का समय दीजिए, 2 से 3 दिन बाद जो है हम पूरी जो है जिम्मेदारी के साथ सिलेबस को भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। और जो है 8 PM से, कितने 8 PM से फ्रेंड्स 9 PM जो है डेली ये आपको किसके NTA UGC NET की प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिलेगी इस टाइम पर। क्या इस टाइम पे, तो दोपहर में मेरे लिए थोड़ा सा लाइव आ पाना मुश्किल है, दोपहर में मैं नहीं आ पाऊंगी, जब भी मिलूंगी ये तो मैं आज आई बिना टाइम के, मेरे पास समय था तो मैंने सोचा कि कुछ टॉपिक आपका क्लियर करा दिया जाए। उसके बाद जब भी मैं आपको यूट्यूब पे मिलूंगी तो 4:30 से 9 PM के बीच ही मिलूंगी। कितना, तो आपका यहाँ से ये जो टाइम है इससे जो है 9 PM के बीच ही मिलूंगी तो सभी लोग को, और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर ले, और रही बात PDF प्राप्त करने की तो वो लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा PDF डाल भी दी गई है और PDF दी भी जा रही है और वहाँ पे जो है क्विज भी शुरू किया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और जो लोग भी नेट का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं और पूरी गुणवत्ता के साथ जो है आपका कवर कराया जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कॉलर्स में हम इसलिए यहाँ पर लाइव आए कि ये सभी एग्जाम के लिए जो है फ्रेंड्स इम्पोर्टेंस है, तो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस हम चाहते हैं कि आप लोग का जितना ज्यादा से ज्यादा हेल्प हम कर सके यूट्यूब के माध्यम से उतना हम करने का प्रयास करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने यहाँ पे पीटर पैन कॉलर देखा, आपसे हमने ये क्वेश्चन पूछा, क्या आपसे हमने ये क्वेश्चन पूछा कि जो है आपका ये पीटर पैन कॉलर जो होता है किन प्रकार के वस्त्रों में ज्यादा प्रयोग किया जाता है, या किस प्रकार के वस्त्रों में पीटर पैन कॉलर जो होता है ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अब आपको ऑप्शन दे दिया जाता है, क्या ऑप्शन दे दिया जाता है शर्ट में, दूसरा ऑप्शन दिया जाता है ब्लाउज में, तीसरा ऑप्शन आपका दिया जाता है कोट में, चौथा ऑप्शन दिया जाता है फ्रॉक में। फटाफट से आप लोग आंसर कर देंगे, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। एक प्रकार से हम लोग प्रैक्टिस भी करते चलें। चलिए तो मैम नेट की फीस क्या है, वर्षा द्विवेदी पुष्पा, तो फ्रेंड्स जो संस्था का नंबर है उस पे आप लोग कॉल कर लीजिए। बाकी जो है जो भी ऑफर से दिया जाता है वो ऑफर से चल ही रहा है, क्या चल ही रहा है, तो संस्था के नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिए और फीस की जानकारी ले सकते हैं, या कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी आपको लेना होगा तो वो आप ले सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, तो इसका फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे, या आंसर करेंगे बीच बीच में हम लोग पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करते चले तो बेहतर रहेगा, ताकि यहाँ पे आंसर आ रहा मनीषा यादव का फ्रॉक, ठीक, सुधा शर्मा का बेबी फ्रॉक, बिल्कुल,
तो वंदना चौधरी का फ्रॉक वेरी नाइस। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इस कॉलर का जो प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स वो किस में किया जाता है, फ्रॉक में किया जाता है। और फ्रॉक में बेसिकली किसके लिए, जो बच्चों के फ्रॉक्स होते हैं उसमें ऐसे कॉलर्स आप बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ऐसे जो है आपको ये भी समझना है कि ये कॉलर्स जो होते हैं कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। अब जो होता है हमने बताया पीछे, अगर इसको हम देखें जो पीटर पैन कॉलर होता है, क्या ये कॉलर अच्छी तब दिखती है, ये कॉलर जो होती है फ्रेंड्स अच्छी तब दिखती है जब सामने की गर्दन जो रेखा हो वो केंद्र बिंदु से एक कोण पर कितने, एक डिग्री जो कोण होता है बेहतर ढंग से काटी जाती है और सामने का कॉलर जो होता है वो घुमावदार घुमावदार होने के साथ साथ वो नुकीला भी दिखाई दे। कैसा, तो इसका एक केंद्र जो होता है आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका जो केंद्र है, अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो केंद्र है, अगर ये कि एक केंद्र होता है और उसके साथ साथ इसमें एक नुकीला प्रभाव दिखाई देता है तो ये जो पीटर पैन कॉलर होता है ये बहुत ही ज्यादा आकर्षक दिखाई देता है। कैसा, ये बहुत ही ज्यादा आकर्षक दिखाई देता है। अब ये जो यहाँ पे घुमाव दिया गया है, ये घुमाव में भी क्या होनी चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए एक, और उसके साथ साथ इनकी ये जो वक्र रेखा जैसे हम कह सकते हैं इसमें जो घुमाव दिया गया है इसमें किसका, इसमें जो है कम घूमे हुए वक्र रेखा का प्रयोग किया गया है। कैसे वक्र रेखा, तो वक्र रेखा में कैसे कम घूमे हुए, कम घूमे हुए वक्र रेखा का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं इसमें एक प्रकार का बैलेंस दिखता है, एक प्रकार का जो होता है क्या दिखता है, एक प्रकार का लय दिखता है, या एक प्रकार का लय दिखता है। तो ये देखने में जो होता है एक रिदम में जा रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा आकर्षक लगता है। तो ये आपके कौन सा कॉलर है, ये आपका पीटर पैन कॉलर है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपको ये देखना है क्रेप कॉलर। अब आपका क्रेप कॉलर क्या होता है, किस प्रकार से क्रेप कॉलर लगाया जाता है इसको हम लोग देखेंगे। तो जो आपका क्रेप कॉलर होता है फ्रेंड्स, कौन सा कॉलर, क्रेप कॉलर होता है, क्रेप कॉलर जो होता है, क्रेप कॉलर में इसे फ्लैट कॉलर की तरह काटा जाता है। किस कॉलर की तरह, ये जो कॉलर होता है आप देख सकते हैं, ये कॉलर यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो ये जो होता है किसकी तरह काटा जाता है, ये फ्लैट कॉलर की तरह काटा जाता है। यहाँ पे आप एकदम देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से कॉलर को लगाया गया, इसको आकर्षक बनाने के लिए ये जो होता है डबल राउंड में लगाया गया। तो अब जो ये फ्लैट कॉलर होता है फ्रेंड्स, किस तरह फ्लैट कॉलर की तरह काटा जाता है और इसकी जो क्या होती है एक स्वीकृति गर्दन रेखा की, क्या गर्दन रेखा हो तो दूसरा जो होता है क्या हो तो आगे और पीछे के पैटर्न जो होते हैं वो कंधे की रेखा से, किसके आगे और पीछे का जो पैटर्न होता है, मान लीजिए ये वाला पोर्शन जो होता है, ये भाग जो होता है ये आगे का हुआ और उसके साथ साथ जो राउंड में पीछे से गया होता है, क्या पीछे से गया होता है एक दूसरे से मिलाएं और ये क्या होता है एक अतिरिक्त चौड़ा कॉलर है। एक अतिरिक्त का मतलब जो अंदर गला बना हुआ होता है, अब इस पे अगर बनाना है तो यहाँ से ऊपर से जो होगा अतिरिक्त कॉलर के रूप में लगाया जाएगा। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि ये जो देखेंगे इसके नीचे का पोर्शन जो है बना हुआ है, जैसे हमने बताया कि कॉलर्स का जब प्रयोग करते हैं और बहुत चौड़े कॉलर्स का प्रयोग करते हैं तो जो अंदर वाला होता है जिसको हम लोग किसके चोली के नाम से जानते हैं, तो ये पूरी तरह से बंद होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। और जब ये पूरी तरह से बंद होता है, क्या बंद होता है, तो ऊपर से एक अतिरिक्त कपड़ा लगाकर इसको जो होता है आकर्षक यानी कि सुंदर बनाया जाता है। तो ये जो होता है जब इस वाले भाग को आप देखेंगे दोनों समान होता है तो ये जो होता है नीचे लटकता हुआ होता है, क्या नीचे जो है लटकता हुआ होता, आप इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो क्रेप कॉलर है ये नीचे लटकता हुआ दिखाई देता है। अब बच्चों में देखेंगे, जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, क्या बहुत छोटे होते हैं उनमें ये कॉलर जो होता है बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि जब बच्चे खेलते हैं कूदते हैं दौड़ते हैं तो उनके लिए जो होता है ऐसे बच्चों में
इस प्रकार के कॉलर अच्छे नहीं होते क्योंकि उनके लिए अनुपयुक्त तो होते हैं। वो जब खेलते कूदते हैं तो बहुत बड़ा होने के कारण, चौड़ा होने के कारण वो क्या होता, उनको उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, यानी कि बाधा उत्पन्न करने के लिए उत्पन्न करता है। जैसे अभी देखिए छोटे बच्चे होते हैं, जब ये गर्दन से बहुत चौड़ा होता है वो होता, तो बच्चे झुक कर कोई भी सामान लेते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं रुकावट डालने का काम करता है। कैसा करता है, रुकावट डालने का काम करता है। तो बहुत छोटे बच्चे अगर हो तो उनमें ऐसे कॉलर का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो होता है उनमें ये कहीं ना कहीं हस्तक्षेप का काम करता है, रुकावट डालने का, उनके खेलने या खेलने और किसी भी प्रकार की क्रियात्मक जो एक्टिविटी होती है उसमें रुकावट डालने का काम करता है ये जो होता है क्रेप कॉलर। तो बहुत जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ना प्रयोग करके, बात हम करें अगर बाल्यावस्था की, उत्तर बाल्यावस्था की, तो ऐसी अवस्था में जो होता है फ्रॉक्स में क्रेप कॉलर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आप कई रूप देख सकते हैं कि इस पे हमने बताया जो कंधे की चौड़ाई होती है, किसकी कंधे की चौड़ाई होती है, उस चौड़ाई का जो बना हुआ इसमें क्या होता है डिजाइन से होता है, वो जो है आगे और पीछे जो होता है क्रेप कॉलर में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें गला जो है बना हुआ, लेकिन दोनों साइड ये सेम सेम होता है। तो आपका ये कौन सा कॉलर होता है, ये जो होता है फ्रेंड्स क्रेप कॉलर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट दूसरा जो हम देखेंगे यहाँ पर रिपल्ड कॉलर। कौन सा रिपल्ड कॉलर कैसे होता है, तो रिपल्ड कॉलर को अगर आप देखते हैं, किस कॉलर को, रिपल्ड कॉलर को, तो इस कॉलर का जो उपयोग होता है ये क्या होता है, ये चेहरे की जो श्रवण यानी कि सौम्यता होती है, क्या सौम्यता, और उसके साथ साथ उसकी जो कोमलता होती है, नाजुकता होती है, उसको सुरक्षित रखने के लिए इस प्रकार का कॉलर्स जो होता है प्रयोग किया जाता है। तो ये कॉलर्स जो होता है फ्रेंड्स कैसा होता है, ये रिपल्ड कॉलर होता है। तो इसको सुरक्षित करने के लिए क्या जो आप फेस होता है, क्या फेस जो होता है चेहरे की सौम्यता, कोमलता, या हम बात करें नाजुकता, क्या नाजुकता, उसकी क्रियात्मक एक्टिविटी, इन सब को सुरक्षित करने के लिए कपड़ों में किस कॉलर का प्रयोग किया जाता है, तो कपड़े जो होते हैं फ्रेंड्स उसमें रिपल्ड कॉलर का प्रयोग किया जाता है। रिपल्ड कॉलर जो होता है ये कैसा होता है, तो रिपल्ड कॉलर जो होता है फ्रेंड्स ये गोलाकार जो है, ऐसा गोलाकार जो होता है फ्रिल, या फिर हम कह सकते हैं रफल की तरह होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो होता है ये आपके लगभग जो है गर्दन को पूरी तरह से ढके हुए होता है और आपके एकदम फेस के पास होता है। तो जो हमने बताया कि चेहरे का जो श्रवण होता है, क्या सस्त्रण होता है उसको, यानी कि सस्त्रण का मतलब यहाँ पे उसकी जो सौम्यता होती है, ये क्या होती है सौम्यता होती है। हमने पहले भी बताया कि ये किसमें, परिधान में सजावट उत्पन्न करने के उससे लगाया जाता है। अब जिस हिसाब से आपकी पर्सनालिटी होती है, आपकी शारीरिक संरचना होती है, अगर आप उसी प्रकार के कपड़ों को धारण करते हैं तो उसमें क्या होता है आपका व्यक्तित्व तो झलकता है, आपकी शालीनता, आपकी सौम्यता, सारी चीजें आपको देखकर, आपके कपड़ों को देखकर, आपके व्यक्तित्व तो का, आपके कह सकते हैं बिहेवियर का, इन सारी चीजों का, या आप किस वर्ग से जुड़े हैं तो कपड़ों को देखकर व्यक्ति अनुमान लगा सकता है, क्या कर सकता है अनुमान लगा सकता। तो ये कॉलर से जो होते हैं कैसे, ये कॉलर से जो होते हैं रिपल्ड कॉलर से जो होते हैं ये स्टैंडिंग में होते हैं, खड़े हुए होते हैं, ऐसा नहीं कि ये जो होता है फ्लैट होता है या सपाट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये कॉलर जो होता है स्टैंडिंग में ही होता है, इसमें होता है स्टैंडिंग में ही होता है, लेकिन ये पूरी तरह से गर्दन को ढके हुए होता है। तो ये हमारा कौन सा कॉलर हुआ फ्रेंड्स, ये जो है हमारा रिपल्ड कॉलर हुआ। कौन सा कॉलर, रिपल्ड कॉलर हुआ। तो यहाँ तक सभी लोग का फ्रेंड्स कंप्लीट हुआ, जो है कॉलर हम लोग देखें तो कंप्लीट हुआ। क्या आपको किसी चीज में अगर गोलाकार होता है, बिल्कुल बिल्कुल मनीषा जी, वंदना चौधरी, कंफर्ट नहीं होता, हाँ बिल्कुल, बालकों के लिए जो होता है फ्रेंड्स वो कंफर्ट नहीं होता है, क्योंकि वो जो होता है आपका क्रेप कॉलर जो होता है वो आपका चौड़ा होता है, तो इसलिए। तो यहाँ पे रिपल्ड कॉलर, तो हमने कॉलर को कितने प्रकार आपको बताया था, तो कॉलर जो होते हैं हमने चार प्रकार बताया था। तो सभी लोग का क्लियर हुआ, किसी को कोई भी डाउट अगर कॉलर्स में हो फ्रेंड्स
तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्या आप लोग कॉलर्स में अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, इसको हम दोबारा से रिकॉल कर देंगे। क्या तो रिफर टू कॉलर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे स्लीप जो होती है, क्या स्लीप जो होती है यानी कि आस्तीन। अब हम लोग आस्तीन को देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम आस्तीन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आस्तीन की बात करते हैं यानी कि स्लीव की बात करते हैं, तो आस्तीन जो होता है ये परिधान में, आस्तीन जो होता है ये परिधान में किस प्रकार से लगाए जा रहे हैं ये चीज देखेंगे। तो अब आस्तीन, आस्तीन के साथ साथ जो आर्म होल होता है, कौन सा होता है, आर्म होल होता है कि रेखा किसी भी परिधान में काटना सबसे कठिन काम होता है, आर्म होल। अब जैसे आर्म होल की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आस्तीन है, क्या ये जो आस्तीन है, अब ये आस्तीन उसी हिसाब से काटा जाता है जिस हिसाब से इसका आर्म होल होता है। यहाँ से जो आप देखेंगे जैसे स्लीवलेस कपड़ों में आपको साफ दिखाई देते हैं, तो ये जिस हिसाब से उसका आर्म होल होता है उसी आकार का जो होता है आस्तीन जो होता है काटा जाता है, ताकि वो आर्म होल में बहुत आसानी से फिट बैठ सके। क्या तो इसको जो है काटना बहुत सरल काम नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं एक तरह से ये कठिन कार्य है। तो अब जो वस्त्र में आस्तीन को आर्म होल के चारों तरफ से, इसके आर्म होल के चारों तरफ से, चारों तरफ का अगर हम देखते हैं तो एक तरह से इसमें, इस कटान में किस प्रकार की रेखा का प्रयोग किया जाता है, क्या आर्म होल और आस्तीन को काटने में किस प्रकार की रेखा का प्रयोग किया जाता है, क्या आपकी तिरछी लाइन का प्रयोग किया जाता है, लंबवत लाइन का प्रयोग किया जाता है, वक्र लाइन का, आपको ऑप्शन दे दिया जाता है यहाँ पे किस प्रकार का, तो तिरछी लाइन, फटाफट से आंसर कर देंगे, तिरछी लाइन, उसके बाद लंबवत लाइन या फिर जो है ए हुआ, बी हुआ, उसके बाद सी हुआ यानी कि वक्र लाइन, डी ऑप्शन आपका है, इनमें से कोई नहीं, फटाफट से ए बी सी आंसर कर देंगे, इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार की लाइंस का प्रयोग किया जाता है, चलिए तो सोनिया का आंसर यहाँ पर आ रहा है वक्र लाइन, बाकी लोग भी आंसर करते रहे फ्रेंड्स, क्या बाकी लोग भी आंसर करते रहे। तो यहाँ पे जो आपकी क्या होती है आस्तीन होती है, स्लीव होती है। अब ये जो आर्म होल होता है उसके चारों ओर वक्र क्षेत्र में, क्या वक्र क्षेत्र में जो होती है फिट होनी चाहिए, तो लगभग वो वक्राकार लाइंस में काटी जाती है, किसमें, वक्र। तो ये क्या होती है, क्योंकि जो है अगर वक्राकार में ये नहीं रहती तो जो हमारे हाथों की गति होती है, हम कैसे भी किसी भी साइड में घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, तो वो गति जो होगी अच्छी प्रकार से नहीं हो सकेगी। अगर इसमें वक्र क्षेत्र में जो है आर्म होल का प्रयोग नहीं किया जाता, आप देखिए जब आपकी आस्तीन जो होती है बहुत चुस्त होती है, बहुत फिटिंग होती है, तो उसमें क्या होता है हमारे हाथ को किसी भी दिशा में मोड़ना घुमाना ये मुश्किल हो जाता है। उसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखेंगे लंबी आस्तीन जो होता है, लंबी आस्तीन कंधे और उसके साथ साथ कंधे के साथ साथ जो कोहनी होती है, कलाई होती है या जो कफ होता है, इसमें अच्छी तरह से फिट होना चाहिए, इसमें इसमें अच्छी तरह से फिट होनी चाहिए। लंबी आस्तीन जो होती है, क्या आस्तीन लंबी और लगभग ये कितना होती है 3/4 लंबाई या छोटी हो सकती है, क्या छोटी हो सकती है। तो आस्तीन में कफ को आमतौर पर जो होता है पाइपिंग होता है, हेम होता है, बैंड होता है, इन सबसे आस्तीन पे जो होता है वो फिनिशिंग की जाती है यानी कि बाहरी परिसज्जा की जाती है, जिससे आस्तीन देखने में आकर्षक लगे। तो अब हम देखते हैं कि आस्तीन जो होती है वो कितने प्रकार से हो सकती है, क्या तो जो है आस्तीन जो होती है वो कितने प्रकार से हो सकती है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे सेट इन स्लीव, क्या सेट इन स्लीव की बात करते हैं, तो जो आपकी आस्तीन होती है कौन सी होती है फ्रेंड्स, जो आपकी आस्तीन होती है वो किस, तो सेट इन स्लीव में हम देखते हैं, अब हमने बताया कि जो आपका क्या होता है यहाँ पे सेट इन स्लीव होता है, तो ये आपका क्या हुआ, यहाँ से आपकी आस्तीन जुड़ी हुई है, क्या यहाँ से आस्तीन। अब हमने बताया कंधे के पास जो होता है कौन सा, जो आर्म होल होता है,
कौन सा? जो आर्म होल होता है। अब आर्म होल में क्या होता है? अब यहाँ पे आर्म होल के आकार का कैसे, उसके आकार का ही जो स्लीव होता है उसको काटना चाहिए, ताकि जो है ये इसमें बहुत आसानी से बैठ सके। और हम जो हाथ को किसी भी तरफ हिलाते हैं, घुमाते हैं, या कोई भी कार्य उत्पन्न कार्य करते हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार के जो होता है बाधा उत्पन्न ना हो। तो इस प्रकार की जो होती है वो आपके सेट इन स्लीव होती है। अगर हम बात करें जो है रेगनल रेगनल स्लीव की, तो रेगनल स्लीव जो होती है वो किस प्रकार की होती है, या हमारे परिधान में जो होता है ये किस प्रकार से जो है जोड़ा जाता है, कौन सा किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो आप देखेंगे किसी भी परिधान का ये कौन सा हो गया, ये उसका गला हो गया। तो रेगुलर स्लीव में जो होती है, जो आस्तीन जुड़ी हुई होती है, ये कंधे वाले भाग को ना बल्कि कंधे वाले भाग को लेकर जो होता है, क्या लेकर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो रेगुलर स्लीव होती है ये कंधे वाले भाग को लेकर जो होती है जुड़ी हुई होती है। कैसे? कंधे वाले भाग को। तो इसमें जो होता है कंधे का भाग जो होता है वो किस में होता है, वो आस्तीन से होता है। बीच में जो कॉलर से लगती है उसके बीच में एक पट्टी जैसे और चौड़ा वाला भाग होता है, इस वाले स्लीव में ऐसा नहीं होता, बल्कि वो जो चौड़ा भाग होता है वो क्या करता है, वो कंधे वाले भाग को लेकर जो होती है ये आस्तीन बनाई जाती है। तो ये कौन सी, ये जो होती है रेगुलन आस्तीन के नाम से जानी जाती है। यानी कि जो आपका होता है रेगुलन, यानी कि आपका इसमें अलग से कोई कंधे के लिए स्थान नहीं दिया जाता, बल्कि उसी स्लीव में जो है कंधे वाले भाग को कवरअप कर लिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो आर्म होल होता है, कौन सा आर्म होल होता है, इस प्रकार से होता है। इसी आर्म होल में पूरी तरह से स्लीव को जो है आस्तीन को सेट कर दिया जाता है। किसको? आस्तीन को सेट कर दिया जाता है। तो ये जो होता है कंधे वाले भाग को लेकर ही इसमें आस्तीन बनाया जाता है, किसमें, रेगुलर स्लीव में। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो आपकी कौन सी होती है, किमोनो स्लीव होती है। कौन सी? किमोनो स्लीव होती है। तो उसमें अगर हम आस्तीन की बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये गला होता है, क्या ये गला होता है, और उसके साथ ऐसे वाला भाग होता है, कौन सा, ऐसे वाला भाग होता है। अब उसमें थोड़ा सा ऐसे होके, क्या ऐसे होके, ये बहुत ज्यादा जो होता है अंदर नहीं जाता है, क्या होता है ऐसे करके फ्रेंड्स जो होता है ऐसे जो होता है ये ऐसे। ये जो होता है फ्रेंड्स इस तरह से, ये जो होता है ये कौन सा, ये किमोनो स्लीव होता है। स्लीव यानी कि आस्तीन होता है, इस प्रकार से बनाया जाता है। और ये रेगुलर स्लीव जो होता है ये आपका इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ साथ जो आपका ड्रॉपेड स्लीव होता है वो कैसा बनाया जाता है, क्या ड्रॉपेड स्लीव जो होता है वो कैसा बनाया जाता है, जैसे आपके कोट वोट होते हैं, कौन से कोट वोट होते हैं, तो उसमें जो होता है ड्रॉपेड जो आपका स्लीव होता है वो बनाया जाता है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि इसमें भी जो आर्म होल के लिए क्या होता है, आर्म होल के लिए जो जगह होती है, यहाँ पर हमने बताया कि ये आपकी क्या होती है, ये जो आर्म होल होता है, तो हमने ये बताया जब हम स्लीव को जोड़ते हैं तो इसको जो होता है किसमें, वक्राकार, इसका जो क्षेत्र होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग हर स्लीव में जो होता है आपके कैसा जोड़ा हुआ होता है, तो वो वक्राकार क्षेत्र होता है और ये आर्म होल से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम रेगुलर स्लीव की बात करते हैं तो ये आर्म होल से ना जुड़कर बल्कि डायरेक्ट जो होता है गले के पास से जुड़ा हुआ होता है और कंधे के भाग को कवर करता है। लेकिन जो आपका ड्रॉप्ड स्लीव होता है, क्या ड्रॉप्ड स्लीव होता है, ये किससे जुड़ा होता है, ये जो होता है आपके आर्म होल से जुड़ा हुआ होता है, जिसको इस स्लीव को काटने के लिए किसका, वक्राकार रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। किसका? वक्राकार जो रेखाएं होती हैं, वक्राकार रेखाओं का प्रयोग किया जाता है इस स्लीव के लिए। उसके बाद जो आपको डॉलमेन स्लीव होता है, कौन सा, जो आपको डॉलमेन स्लीव होता है ये क्या होता है,
तो ये भी इसमें डॉलमेन स्लीव में जो होता है, ये सीधा जो गले वाला भाग होता है, कौन सा, जो गले वाला भाग होता है वहीं से ये डायरेक्ट जो है जुड़ा हुआ होता है हमारे किसी भी पोशाक में। इसमें भी ये डायरेक्ट जो होती है कपड़े में जुड़ी हुई होती है, इसमें आर्म होल की जो होती है आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जैसे आपका रेगुलर स्लीव होता है वैसे ये भी स्लीव जो होती है डायरेक्ट आकर यहाँ पर जुड़ी हुई होती है। और उसके बाद अब इसमें जैसे सजावट के लिए कॉलर्स का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, कॉलर्स का प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं। कैसे, कॉलर्स का प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं, या आप यहाँ पर देखेंगे ये जो आपका होता है कौन सा, ये जो आपका आस्तीन है ये आपका कौन सा, ये आपका किमोनो के नाम से जान सकते हैं आप। क्या क्या किमोनो की तरह, इसके ये जो होता फ्रेंड्स किमोनो आस्तीन की तरह यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा। तो ये जो विभिन्न प्रकार के स्लीव्स हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा, किसके बारे में, विभिन्न प्रकार के जो है स्लीव्स हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट जो होता है, अगर हम आस्तीन की बात करें तो आस्तीन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, आस्तीन जो होते हैं फ्रेंड्स वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आस्तीन जो होते हैं, ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है आस्तीन जो होता है सामान्य आर्म होल के साथ सेट इन स्लीव होता है, और जो होता है इसमें क्या होता है, अब ये जो आर्म होल होता है हमने बताया कि ये वाला जो भाग होता है, क्या ये वाला भाग जो होता है ये क्या होता है, आर्म होल होता है। तो आर्म होल से ही आस्तीन को जो होता है सिला जाता है। क्या अगर हम बात करें तो अभी जो है कुछ ऐसे जैसे हमारा रेगुलर स्लीव आया, क्या रेगुलर स्लीव आया तो वो जो होता है उसमें आर्म होल की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वो डायरेक्ट जो होता है आस्तीन को सिल दिया जाता है। क्या गले वाले भाग से सटा कर जो होता है आस्तीन को सिल दिया जाता है, लेकिन अगर सेट इन स्लीव की बात करें तो किसी भी आस्तीन को जो जोड़ा जाता है वो आर्म होल के चारों तरफ से जोड़ा जाता है। तो अब इसमें आस्तीन की किसी भी लंबाई पे जो होता है ये काटा जा सकता है। अब आर्म होल में जिस हिसाब से आपका क्या होता है स्लीव होता है उसी हिसाब से आर्म होल जो होता है वो कटा हुआ होता है, तो उसी के हिसाब से जो है आस्तीन को भी काटना चाहिए। जितनी चौड़ाई का आपका आर्म होल होता है उतनी ही चौड़ाई का आस्तीन भी काटना चाहिए, ताकि जो है वो आसानी से उसमें सेट किया जा सके, क्या सेट किया जा सके। और उसके बाद जब फिट किया जाता है तो उसमें जो आपकी हेमलाइन होती है, कप होती है, इसको विभिन्न फिनिशिंग, क्या इस पे विभिन्न फिनिशिंग किया जाता है। और जो आपके प्लेन स्लीव होती है या पफ आस्तीन होती है, गोलाकार पंखुड़ी आस्तीन होती है, या फिर जो होता है तीन जो आपके थ्री स्क्वायर स्लीव्स होती है या फुल आस्तीन होती है, इस प्रकार के जो होते हैं बहुत सारे आस्तीन होते हैं। लेकिन आस्तीन के प्रकार अगर हम देखते हैं तो ये सभी आस्तीन के प्रकार जो होते हैं इसी प्रकार के जो है आस्तीन में ये फिट होते हैं। तो सेट इन स्लीव, तो इसमें जैसे सादी आस्तीन प्लेन भी हुई, आपका पफ वाला भी हुआ क्या, या गोलाकार जो आपके राउंड प्लेटेड स्लीव होती है ये भी होती है, या थर्ड स्क्वायर जो स्लीव होती है ये भी होती है, फुल स्लीव होती है, ये सभी जो होते हैं स्लीव किसके अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स, ये सभी जो होते हैं आस्तीन सामान्य आर्म होल के साथ जो है सेट हो सकते हैं, सेट इन स्लीव्स के साथ, किसके साथ, सेट इन स्लीव्स के साथ ये सभी फिट हो सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा इसमें देखेंगे, दूसरा आस्तीन का प्रकार जो होता है फ्रेंड्स कौन सा, आस्तीन का प्रकार जो होता है ये जो होता है ये आस्तीन आर्म होल और असामान्य आर्म होल के साथ होता है, किसके, असामान्य। तो ये जो होता है बिना आर्म होल सिलाई वाले, जैसे किमोनो आस्तीन, हमने पहले भी आपको बताया कि जो किमोनो आस्तीन हुई वो आपकी कैसी हुई, उसमें कोई भी आर्म होल की आवश्यकता नहीं होती है, किसमें कोई भी आर्म होल की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि किमोनो स्लीव जो होती है वो डायरेक्ट जो होता है जोड़ दिया जाता है। तो आस्तीन का जो चोली के भाग होते हैं उसके साथ ही काटी जाती है, और आर्म होल को क्या होता है वक्र बनाए रखते हैं, जैसे आपके रेगुलर स्लीव, इसको भी हमने बताया कि ये भी जो होती है बिना आर्म होल के,
आर्म होल जो होता है क्या, आर्म होल जो होता है जैसे कि हमने आपको सेट इन स्लीव बताया, उसमें आर्म होल होती है और आर्म होल के चारों तरफ से आस्तीन को जोड़ दिए जाते हैं तो वो सेट इन स्लीव कहलाते हैं। और जिसमें आर्म होल नहीं होता, बिना आर्म होल के वो डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं, तो बिना आर्म होल वाले में आपके दो आस्तीन आते हैं, एक आपका किमोनो आस्तीन आता है जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपका कौन सा ये किमोनो आस्तीन बना हुआ, ये डायरेक्ट कैसे, ये डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। उसके बाद आपकी रेगुलर स्लीव जो होती है, आप देखेंगे कि यहाँ पर भी क्या होती है, ये स्लीव जो होती है ऐसे डायरेक्ट आकर जुड़ती है, इसमें किसी भी प्रकार के जो आर्म होल होते हैं उसकी आवश्यकता नहीं होती, ये डायरेक्ट होती है। क्या डायरेक्ट, अब आर्म होल की अगर हम बात करें, यहाँ से जब आपका राउंड वाला भाग ऐसे बनता है वही क्या होता है, वही आर्म होल होता है। क्या होता है, आर्म होल होता है। तो बिना आर्म होल के, जब बिना आर्म होल के जो है आपके कौन सी आस्तीन आती है, तो एक आपकी किमोनो स्लीव आती है, दूसरा आपका जो होता है रेगुलर स्लीव आती है। तो यहाँ पे जो है आपका ये हुआ, एक सेट इन स्लीव हुआ और दूसरा जो होता है आपका बिना आर्म होल के। तो आपके स्लीव जो हुए कितने प्रकार के हुए फ्रेंड्स, दो प्रकार के देखने को मिले। उसमें हमने बताया है आपको, या अगर हम उसमें देखते हैं तो उसमें हमने बताया कि इतनी सारी आस्तीन जो हैं, क्या इतनी सारी आस्तीन जो होते हैं वो सब आपके सेट इन स्लीव में आते हैं। प्लेन स्लीव हुआ, पफ स्लीव हुआ, राउंड स्लीव हुआ, या थ्री स्क्वाटर स्लीव हुआ, या फिर जो होता है फुल स्लीव हुआ, ये सभी उसमें आए। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट अब हम लोग कफ देखते हैं, जो कफ होता है ये कितने प्रकार का होता है, कौन सा कफ क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। तो कफ में अगर हम बात करते हैं, इसकी कफ में अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपके कमीज होते हैं, कमीज के साथ साथ जैकेट की आस्तीन होती है, इसके निचले भाग पर जो कलाई वाला भाग होता है, कौन सा ये कलाई वाला भाग होता है, तो इस पे अतिरिक्त कपड़े की जो होती है, क्या होती है, कपड़े की जो परत होती है उसी को क्या कहते हैं, कफ होते हैं। तो कफ जो होते हैं वो खुले हुए भी होते हैं, खुले हुए होने के साथ साथ ये जो होते हैं क्या, पहनने वाले जो आस्तीन होते हैं आराम से हाथ में पहने भी जा सकते हैं, इसको जो होता है बटन की सहायता से भी बंद किया जा सकता है, और उसके साथ साथ बटन की सहायता से बंद करने के साथ साथ इस आस्तीन को अच्छी तरह से जो होता है क्या, आस्तीन जो होता है अच्छी तरह से फिट हो, इसलिए जो होता है कफ का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे आपके विभिन्न प्रकार के जैकेट्स को हम देखते हैं तो उसमें भी मिलते हैं, या जो निम्न क्या होते हैं, निम्नतर जो शर्ट होते हैं उसमें भी कफ होते हैं। कुछ आपके परिवर्तनीय कफ देखने को मिलते हैं, कुछ आपके फ्रेंच कफ और कुछ आपके डबल कफ। तो इस कफ को हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। ठीक, तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं कफ को, इसको कफ को, तो आपका जो परिवर्तनीय कफ होता है क्या, परिवर्तनीय जो कफ होता है ये ज्यादातर आपके किस में, जैसे आपके शर्ट वर्ट की आस्तीन होती है, किसकी आस्तीन होती है, शर्ट की। तो आप परिवर्तनीय कफ जो होता है आप देख सकते हैं प्रिंस की किस प्रकार से, क्या किस प्रकार से ये जो बटन होते हैं ये बंद करने के लिए, तो इस परिवर्तनीय कफ में जो होता है आपके कैसे यहाँ पे बटन होते हैं जिसके माध्यम से जो है क्या कर सकते हैं, हम आस्तीन को बंद कर सकते हैं, क्या बंद कर सकते हैं, तो ये हमारे जो होते हैं परिवर्तनीय। और ये जो फ्रेंच या डबल क्या होता है, डबल कफ होता है, ये जो होता है दोनों में देखने को मिलता है, शर्ट में भी देखने को मिलता है और जो सूट्स होते हैं उसमें भी देखने को मिलता है। आप देखेंगे यहाँ पे जो है फोल्ड करके डबल टाइप में कफ लगा हुआ होता है, और जब कफ लगा हुआ होता है उस पर रोकने के लिए एक यहाँ पे आप देख सकते हैं पट्टी जैसे वो करके लगा हुआ होता है, उसके साथ साथ आपका बटन लगा हुआ होता है। तो ये जो होता है फ्रेंच कफ या डबल कफ जो कि सूट्स में भी देखने को मिलते हैं, किसमें, सूट्स में भी फुल आस्तीन की जो होते हैं वहां पे आपको देखने को मिलते हैं, तो वो डबल होते हैं। उसके बाद जो आपके फ्रेंच कफ में होते हैं क्या, फ्रेंच कफ में होते हैं, तो फ्रेंच कफ में ही डबल कफ, डबल कफ का मतलब इधर से भी आया हुआ होता है,
इधर से, तो बीच में क्या होता है, बीच में उसको बंद करने के लिए जो होता है बटन भी लगे होते हैं। कैसे बटन भी लगे हुए होते हैं, ये जो डबल फ्रेंच कफ होता है ये किस में, ये शर्ट वर्ट में क्या है, शर्ट वर्ट में भी देखने को मिलता है। किसमें, शर्ट में भी देखने को मिलता है, और खासकर जो शर्ट की क्या होती है, फुल आस्तीन होती है, उसमें डबल फ्रेंच कफ देखने को मिलता है। उसके बाद शर्ट में जो कफ का प्रयोग किया जाता है, किसमें, शर्ट में जो कफ का प्रयोग किया जाता है, तो आप देख सकते हैं कि शर्ट में इस प्रकार के कफ का प्रयोग किया जाता है। तो अब कफ का जो प्रयोग किया जाता है ये बेसिकली किस लिए किया जाता है, कफ का प्रयोग जो होता है वो सुंदरता को, क्या वस्त्र की सुंदरता को, यानी कि उसकी जो आकर्षकता होती है उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। किसको, उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ये हमारे कुछ कफ रहे, कफ रहे वस्त्रों में क्यों प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका, अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आपका नेक लाइन होता है, क्या नेक लाइन होता है वो क्या होता है, कौन सा होता है फ्रेंड्स, जो आपका नेक लाइन होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे जो नेक लाइन होता है यानी कि गर्दन के चारों ओर, क्या ये तो आपका कफ है जो कि हम लोग देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं। अब उसके बाद हम लोग नेक लाइन देखेंगे, तो गर्दन के चारों ओर जो आपके क्या होते हैं, चोली की एक रूप रेखा यानी कि समुच्च होती है, जो कि क्या होता है महिलाओं के कपड़ों में, क्या वुमेन्स में जो होता है ज्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका जो प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स वो किसके लिए किया जाता है, ये जो है सजावट का प्रभाव, किसका प्रभाव, सजावट जो होता है उसका प्रभाव प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इसके जो होते हैं विभिन्न तरीके होते हैं, तरीकों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की शैलियां होती हैं। इसमें जो होता है नेक लाइन जो होता है वो विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है। ये तो आपका कफ है जो कि हम लोग देख चुके हैं। अभी हम देखते हैं कि नेक लाइन जो होता है वो कितने कितने प्रकार से कैसे बनाया जा सकता है, क्या कैसे बनाया जा सकता है। अब अगर हम कुछ नेक लाइंस जो होती है हमारी इस प्रकार की होती है, अगर हम बात करते हैं बोट नेक लाइन की, किसकी, बोट नेक लाइन की, तो बोट नेक लाइन जो होती है वो हमारे गर्दन पर किस प्रकार से दिखाई देती है, तो ये जो होता है फ्रेंड्स एक नाव के आकार की, किसकी, एक जो नाव होता है नाव के आकार की जो होती है नेक लाइन होती है। इसको जो होता है कालर बोन, क्या कालर बोन के लगभग निम्न वक्र आगे और पीछे की ओर जो होता है ऊंचा किनारों की ओर चौड़ा जो होता है चौड़ा और कंधे की सिलाई में जो है पूर्ण होती है। तो इसको जो होता है कौन सी, बोट लाइन, बोट लाइन जो होती है, बोट लाइन जो होती है फ्रेंड्स ये जैसे आपके एक नाव की शेप होती है, आप देखेंगे कि इसी प्रकार से किसकी एक नाव की शेप होती है जो कि क्या होती है, जो कि बनाई जाती है। तो ये बोट लाइन जो होती है कहाँ पर ज्यादातर जो होते हैं ब्लाउज में, ब्लाउज में, ब्लाउज के साथ साथ जो होते हैं फ्रेंड्स सूट में भी देखने को मिलते हैं। किसमें, सूट में भी ये बोट लाइन जो होते हैं, क्या बोट लाइन जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये जो बोट लाइन्स का प्रयोग किया जाता है, क्या बोट लाइन्स का प्रयोग किया जाता है, तो ये नाव के आकार के होते हैं। और ये कहाँ से, जो हमारी नेक लाइन होती है, क्या नेक लाइन होती है, क्या नेक लाइन के आकार का होता है, तो ये जो होता है कॉलर बोन, क्या जो कॉलर बोन होता है उस पे, तो ये जो होता है एकदम नाव के तरीके से चौड़ा प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जो होता है बोट नेक लाइन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दूसरा अगर हम देखते हैं दूसरी लाइन, तो दूसरी लाइन्स में यहाँ पे आप देखेंगे काउल नेक लाइन, कौन सी, काउल नेक लाइन जो होती है, तो काउल नेक लाइन क्या होती है, ये जो होती है फ्रेंड्स एक या एक से अधिक बार क्या होती है मोड़ा गया होता है या फिर फोल्ड होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो होता है एक या एक से अधिक बार जो है मोड़ा या फोल्ड किया गया होता है, कैसा किया गया होता है, मोड़ा या फोल्ड किया गया होता है। काउल जो होता है ये क्या होता है, हमेशा जो पूर्वाग्रह होते हैं, कौन से, जो पूर्वाग्रह होते हैं उसको काटने का काम करता है, किसका, उसको काटने का काम करता है। और जो होता है ये काउल जो नेक लाइन होता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो काउल नेक लाइन होता है ये क्या होता है, ये जो होते हैं इसमें जो काउल नेक लाइन लगा होता है ये हमेशा हल्के कपड़ों का लगा हुआ होता है, इसमें बहुत ज्यादा भारी वजन या जो है हैवी कपड़ों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो
इस जो है काउल लाइन के लिए जो है जैसे शिफान के कपड़े हुए, शिफान के साथ साथ जो सॉफ्ट जो होते हैं क्या, सॉफ्ट जो कॉटन के कपड़े होते हैं या मलमल के कपड़ों की बात करें, ऐसे बहुत सॉफ्ट कपड़ों और बहुत ज्यादा हल्के कपड़ों का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसमें ये आपकी कौन सी हुई, तो ये जो है फ्रेंड्स आपकी काउल नेक लाइन हुई। कौन सी? काउल नेक लाइन हुई। तो इसको देखकर आप समझ सकते हो कि आपकी काउल नेक लाइन क्या होती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम देखते हैं स्कूप नेक लाइन, कौन सी जो आपकी स्कूप नेक लाइन होती है, ये स्कूप नेक लाइन कैसी होती है, कौन सी जो स्कूप नेक लाइन होती है वो कैसी होती है, तो ये जो होता है एक घुमावदार, कैसा? एक घुमावदार नेक लाइन है जो कंधे से होकर, कहाँ से? कंधे से होकर जाती है और ये आगे पीछे दोनों साइड जो होती है ये गहरी होती है। कैसे? ये जो दोनों साइड होती है फ्रेंड्स ये गहरी होती है। तो आप देख सकते हैं जो स्कूप लाइन होती है, कौन सी स्कूप लाइन होती है, ये किस प्रकार कंधे के चारों ओर से गया, एक कैसा होता है, एक जो होता है घुमावदार नेक लाइन होता है। तो इसको किसके नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? इसको जो होता है स्कूप लाइन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? स्कूप लाइन के नाम से जाना जाता है। तो स्कूप लाइन जो होती है, जैसे भी ये एक क्या होती है, एक घुमावदार होती है। घुमावदार का मतलब ये एक राउंड में होती है। कैसे? एक राउंड में होती है और उसके साथ साथ ये जो होती है गहरी भी होती है। क्या ये गहरी भी होती है? तो आप देखते हैं कि इसको विभिन्न आकारों में जो होता है बनाया जाता है। कौन सी? स्कूप नेक लाइन को। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं फ्रेंड जो स्क्वायर नेक लाइन होता है, कौन सा स्क्वायर नेक लाइन होता है, तो स्क्वायर जो नेक लाइन होता है ये कैसा होता है, तो स्क्वायर नेक लाइन जो होता है इसमें, इस नेक लाइन में जो आगे पीछे होते हैं इसमें क्या होते हैं, इसमें चार कोने होते हैं आगे पीछे, जो हम एक तरह से कह सकते हैं जो चौकोर गला आपका बनता था, किसमें? चौकोर गला बनता था। तो आप देखेंगे ये क्या होते हैं, आगे पीछे क्या होते हैं, इसमें चार कोने होते हैं। क्या चार कोने होते हैं? तो इधर पे आप देख सकते हैं दोनों साइड ये सेम सेम होता है। कैसे? दोनों साइड ये सेम सेम होता है। तो इसी को जो है फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, इसी को जो होता है स्क्वायर नेक लाइन बोलते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो। क्या यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार से ये, जिस प्रकार से आगे के फ्रंट पर बना हुआ वैसे आपके बैक साइड भी बना हुआ है। तो इसमें ये भी बताया गया है कि इसमें जो होते हैं चार कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं? चार कोने होते हैं। और जो आपका स्वीट हॉट नेक लाइन होता है, कौन सा स्वीट हॉट नेक लाइन होता है, ये किस प्रकार का होता है? तो ये नेक लाइन जो होता है ये आगे से गहरी होता है और दिल के आकार का होता है। किसके आकार का? ये जो होता है ये आगे से गहरी होने के साथ साथ ये नेक लाइन जो होता है ये कैसा होता है, ये दिल के आकार का होता है। तो इसको जो होता है फ्रेंड स्वीट हार्ट नेक लाइन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? स्वीट हार्ट नेक लाइन के, चलिए तो उसके नाम से जाना जाता है यहाँ पर। ठीक, सभी लोग का क्लियर हुआ? अगर हम नेक लाइन की बात करते हैं फ्रेंड्स क्या, तो आपकी स्वीट हार्ट नेक लाइन जो होती है ये आगे से गहरी होती है और जो होती है दिल के आकार की होती है। कैसी होती है? दिल के आकार की होती है। तो ये जो है हमारे कौन से नेक लाइन हुए? स्वीट हार्ट नेक लाइन हुए। तो यहाँ पे अगर हम यू आकार की देखते हैं, किस आकार की? यू आकार की जो नेक लाइन होती है तो ये यू आकार की होती है, यू शेप में होती है, जो कि आप कपड़ों में देख सकते हैं इस प्रकार से बनाई जाती है। तो ये यू शेप जो होता है ये आगे और पीछे दोनों तरफ होता है। तो इसको आप बाखूबी जो है वस्त्रों में देख भी सकते हैं। ये जो आपकी नेक लाइन होती है कौन सी होती है? ये नेक लाइन जो होती है आपके यू आकार के, यानी कि अंग्रेजी के अक्षर जो होता है यू आकार का होता है। नेक्स्ट, तो ठीक, नेक्स्ट आपके वी नेक लाइन। तो वी नेक लाइन आप लोगों ने देखा भी है कि ये जो होता है वी के आकार का होता है। कैसे होता है? ये जो होता है वी के, अंग्रेजी के अक्षर के वी के आकार का नेक लाइन होता है। तो स्पष्ट रूप में इसमें अंग्रेजी के अक्षर के वी आकार का देख सकते हैं, जो कि आप कपड़ों में
देख भी सकते हैं। तो किसी भी कपड़े में जो होता है, जब स्टैंडिंग कॉलर का प्रयोग होता है तो वहां पे किस प्रकार का नेकलाइन जो होता है आकर्षक लगता है, तो आपका वी नेकलाइन होता है। कौन सा? योक है। तो योक को जो है फ्रेंड्स, अभी योक में भी बहुत सारे आपके टाइप्स हैं, तो योक को जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्या नेक्स्ट क्लास में देखेंगे? उसके साथ साथ नेक्स्ट क्लास में जो है योग के साथ साथ हम लोग ड्राफ्टिंग को भी देखेंगे। ड्राफ्टिंग के साथ साथ जो है उसमें पैटर्न जो होता है, क्या पैटर्न होता है, ड्रेपिंग होता है, और जो आपके डमी वमी पे लगाए जाते हैं, वो सारी चीजों की चर्चा जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो फ्रेंड्स ठीक, तो आज की क्लास में जो हम लोग इतना करेंगे। तो ठीक, तो ये जो है ये क्लास आपकी एक्स्ट्रा थी जो कि नेट के लिए दिया जा रहा है। तो जो लोग भी नेट का वैच परचेज करना चाहते हैं, कुछ लोग फीस के बारे में जानकारी ले रहे थे, तो जो है फ्रेंड्स अगर आपको वैच से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो जो है वो अभिषेक एकेडमी के इस नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, 9451717192। इस नंबर पे कॉल करके बैच से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हो। बहुत जल्द फिर नेट की डेली प्रैक्टिस आपको 8 PM से 9 PM के बीच में मिलेगी। बाकी जो 4:30 बजे वाली क्लास होती है वो रेगुलर होती रहेगी, और उसके साथ साथ ऐप की भी क्लासेस चलती रहेंगी फ्रेंड। तो आप लोग सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।